महेंद्रा, जय भोलेनाथ। दोस्तों 8:07 हो गई, 8:07 AM, और 16 जुलाई आज 2020, और थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी भी आप सबको पता है। इट इज़ अ वीकली एक्सपायरी टुडे, थर्सडे 16 जुलाई 2020। आ जाइए चाय पे चर्चा कर लेते हैं। तो आज SGX निफ्टी कुछ 15-20 पॉइंट माइनस दिखा रहा है अभी एट प्रेजेंट। जब मैं लास्ट अभी टीवी खोल के देखा था, जस्ट अभी वीडियो बनाने के पहले ही देखा था मैंने, तो 15 या 16 पॉइंट कुछ माइनस दिखा रहा है SGX निफ्टी। तो अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, इम्पोर्टेंट चीज़ एक ही है नीचे में, क्योंकि देखिए बाज़ार कहीं ना कहीं 2-3 दिन से बियर को फेवर कर रहा है। आप नोट करिए, मंडे को हमने एक ज़बरदस्त हाई बनाया 894 का, ऑलमोस्ट 900 बोल सकते हो उसको आप, 6 पॉइंट की दूरी रही, लेकिन वहाँ से टिका नहीं बाजार, एक बड़ा करेक्शन किया और 802 पे बंद किया, तो वो भी ठीक है। उसके बाद मंगलवार को इसने क्या किया, एक बुरा दिन रखा, 802 को रेस्पेक्ट ही नहीं दिया उसने, नीचे में 570 का लो बना दिया, 564 का लो बना दिया, और फाइनली क्लोज किया 607 पे, 607 पे। बुधवार को भी कल एक नया होप्स जगाया, इसने 823 का हाई बना दिया, 823 का हाई बना दिया 823 का, उसके बावजूद क्लोज कहाँ पे किया, 618 पे। तो जो अपने गेंस ये बना रहा है वो गेंस पे टिक नहीं रहा, दैट मीन्स वेन एवर मार्केट गोज अबव 800 देर इज ए ह्यूज सेलिंग प्रेशर कमिंग। जब भी मार्केट 10-800 के ऊपर जा रहा है वहाँ पे एक बड़ा प्रेशर आ रहा है सेलिंग का, और वो सेलिंग का प्रेशर कहीं ना कहीं जाके थमता है या फिर सहारा मिलता है उसको या सपोर्ट मिलता है, वो कहीं ना कहीं लेवल है 570 से 560 का जोन। तो आज आपको एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी भी है, अगर निफ्टी 560 को तोड़ देता है किसी भी टाइम पे 560 को, तो एक बार आप अपने लॉन्ग्स को काट लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, घबराइएगा मत, और तब तक इसको शॉर्ट मत करिएगा। लेकिन आप 560 टूट जाए तो आप शॉर्ट मत करिएगा, जो रिस्क टेकर है वही लोग शॉर्ट करिएगा, क्योंकि मैं शॉर्ट के फेवर में नहीं हूँ। अल्टीमेटली मेरा टारगेट आज भी 11200 ही है, इसी सीरीज का 11000 टारगेट है, और ऊपर में मैं 11200 और 11400 इसी सीरीज में, मतलब इसी 30 जुलाई तक देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये कैसे होगा संभव, तो निफ्टी नीचे में अगर 560 तोड़ देता है तो नीचे का लेवल जो लोवेस्ट दिखा सकता है वो 400 का आंकड़ा दिखा सकता है, इससे नीचे हम नहीं आशा कर रहा हूँ मैं, 400 या 328 जो पहले का एक टॉप था, 320 को आप बड़ा सपोर्ट मान लो। और फिर आप बोलोगे सर वहाँ से 11000 आना पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ये माइंडसेट को ऐसा चेंज करना चाह रहा है कि कहीं ना कहीं बियर की गिरफ्त में आ रहा मार्केट। तो आप अगर 560 टूटता तभी आप निकलना, वरना मत निकलना मार्केट से, क्योंकि मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आज का दिन और कल का दिन थोड़ा सा बियर को फेवर कर सकता, क्योंकि ये मार्केट ये वीक पूरा बियर्स को फेवर की है अभी तक, इंस्पाइट ऑफ हम 800-894 का हाई भी बनाए, ये फेवर बियर्स को किए, क्योंकि देखिए कल भी 823 गया, लेकिन अगर किसी ने वहाँ शॉर्ट किए तो उसको अच्छा पैसा मिला। तो अल्टीमेटली कहानी ऑफ द चाय पे चर्चा ये है कि 560 टूटे तो आप निकल जाइए, वरना बैठे रहिए, 11000 आना मतलब आना ही है, आना ही है इन एनी केस। और मंडे से कोई मंदी नहीं है, आपको मैं ये भी बोल सकता हूँ, मंडे से मार्केट में कोई भी मंदी नहीं रहेगी कोई भी कारण से। अब आ जाइए इन्फोसिस, हो सकता है आज इन्फोसिस मार्केट को संभाल कर, क्यों जो SGX दिखा रहा है वैसा मार्केट खुले ऐसा कोई बात नहीं है। तो इन्फोसिस का क्या हो गया, कल रिजल्ट बहुत अच्छा आया और ADR कुछ 12% उसका अब दिखा रहा है, तो 12% तो नहीं खुलेगा, यहाँ 5-6% भी तेज खुलता है तो कहीं ना कहीं बाजार को एक सहारा मिलेगा। रिलायंस ऑब्वियसली इतना ज़्यादा बढ़ गया था, 875 का माल 1980 चला गया, जो 24 मार्च को 875 था कल 1980 चला गया, तो उसको करेक्शन नहीं बोलते हैं, उसको पुल बैक बोलते हैं, फिर से तैयारी बोलते हैं और बड़ी रैली के लिए। तो रिलायंस हो सकता है नीचे में
1720 से 1750 का सपोर्ट है उसका, वहाँ पे जरूर बाई करना चाहिए रिलायंस को 1720 से 1750। हालांकि अभी तो 1840 वगैरह चल रहा है, लेकिन आपको वहाँ बाई करना है और वहाँ पे आप स्टॉप लॉस डाल सकते हो 1600 रुपये का, और आप टारगेट लेके चल सकते हो थोड़ा पोजिशनल इसका 2050 का, 2050 का। तो ये रिलायंस की बात हो गई। इंफोसिस और सारे आईटी सेक्टर आज माहौल में रहेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आज निफ्टी को बचा के रखेंगे। तो और प्लस आज वीकली एक्सपायरी है, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ और हुई है, और एक इम्पोर्टेंट कल एफआई ने कहीं ना कहीं फ्यूचर सेक्टर में थोड़ी बाइंग की है, तो मार्केट आज सरप्राइज भी कर सकता है दिन के दौरान, तो थोड़ा सा सक्रिय रहिएगा। शॉर्ट सेलिंग बिल्कुल मत करिए, 560 टूट गया आप निकल जाइए, शॉर्ट सेलर मत बनिए, क्योंकि माइंडसेट को जैसे ही आपने चेंज किया फिर आपसे तेज़ी नहीं होगी, ठीक है। तो निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से कल शाम को हमको एंट्री लेना है। अगर आज टूट जाता है मार्केट तो या तो वापस 600 को क्रॉस करेगा तब एंट्री लीजिए, या फिर कल शाम को 400 वगैरह मिले, 360 मिले वहाँ एंट्री। ये टोटल व्यू है, और अगर आज मार्केट टूटता ही नहीं है 560, तो कहीं ना कहीं मार्केट 200 ईएमए को नहीं तोड़ना चाह रहा है, क्योंकि इसकी 200 ईएमए 560 के आसपास आ रही है, तो मार्केट कहीं ना कहीं उसको बहुत रेस्पेक्ट दे रहा है नीचे की तरफ में। तो अगर उसको नहीं तोड़ता तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि फिर रैली 11400 तक भी जा सकती है। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।